भाजपा में लोकसभा टिकट पर घमासान जारी। एक बार फिर बदलेगा मेरठ लोकसभा सीट का प्रत्याशी। अतुल प्रधान का टिकट कटना तय। मेरठ लोकसभा सीट का प्रत्याशी बदलना समाजवादी पार्टी में लगभग एक बार फिर से तय हो चुका है। अतुल प्रधान का टिकट कटना तय। अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा का नाम चर्चा में। अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा का नाम चर्चा में। अतुल प्रधान को नहीं मिल पाया सपा का सिंबल। टिकट कटने पर विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं अतुल प्रधान। तो समाजवादी पार्टी में भी टिकट को लेकर लगातार घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर पहले तो सीटों पर घमासान जारी था और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद अब समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरखाने टिकटों को लेकर लगातार अलग अलग सीटों पर घमासान बचा हुआ है। मुरादाबाद की सीट के बाद एक बार फिर से मेरठ में भी वही घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया था। अतुल प्रधान का नाम सामने आया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अतुल प्रधान का भी टिकट कट सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद फारूक समत शाहरुख सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, जिस तरह से मेरठ सीट पर एक बार फिर से टिकट बदलने को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, माना जा रहा है कि अतुल प्रधान का टिकट कटेगा, इसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल प्रियंका, आप सही कह रही हैं। इसमें जो है 2024 लोकसभा चुनाव तक जब से बिजली बढ़ है, जब से प्रयास लगे जा रहे हैं, जिसमें भानु प्रताप का पहले टिकट हुआ सपा से, उसके बाद अतुल प्रधान कल नामांकन करने भी पहुंचे, उनका टिकट भी हुआ था। और अब सूत्र से पता चल रहा है कि इसमें जो है अब सुनीता वर्मा, आज योगेश वर्मा की जो वाइफ है, उनका टिकट हो चुका है और 12 बजे आज वो कचहरी परिसर में नामांकन करने पहुंच रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सुनीता वर्मा को लेकर अब लगभग ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा होंगी, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, अतुल प्रधान की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि मुरादाबाद में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी और एसटी हसन की नाराजगी टिकट को लेकर अभी तक बनी हुई है। जी बिल्कुल, इनके जब से भानु प्रताप का टिकट हुआ था, कार्यकर्ताओं में काफी जो है बहुत रोष रहा और काफी जो है प्रदर्शन भी रहे इनके खिलाफ, भानु प्रताप के खिलाफ। उसके बाद भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया और अब अतुल प्रधान का टिकट हो जाता है। अतुल प्रधान के टिकट होने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, लेकिन कल नामांकन करने अतुल प्रधान पहुंचे थे, काफी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, लेकिन अब अतुल प्रधान का टिकट कट चुका है और अब सुनीता वर्मा का टिकट हो चुका है। अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि अभी आज 12:30 बजे के आसपास सुनीता वर्मा कलेक्टर परिसर में नामांकन करने पहुंच रही है। जी बिल्कुल, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि टिकट कटने की वजह से विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं अतुल प्रधान। बिल्कुल, अभी वैसा कुछ सामने नहीं आया है कि अतुल प्रधान में कुछ रोष है या कुछ है, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट नहीं करा, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी रोष है कि पार्टी जो है जगह जगह कार्यकर्ता प्रत्याशी बदल रही है। जी बिल्कुल शाहरुख, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मेरठ की सीट को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में घमासान साफ दिखाई दे रहा है, भानु प्रताप के बाद अतुल प्रधान और अतुल प्रधान के बाद अब सुनीता वर्मा का नाम सामने आया है, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है और क्या इस रणनीति की वजह से विधायकी से इस्तीफा देंगे अतुल प्रधान? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो टिकट घोषित किए हैं और उसके बाद जो बाउंडर मचा हुआ है, खड़मंडल चल रहा है समाजवादी पार्टी में, अब यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई सीटों की रार के बाद अब मेरठ सीट पर पूरी तरह से अंतरकला चल पड़ी है। पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप को टिकट दिया, उसके बाद उनका टिकट काट कर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अब सूचना आ रही है कि अतुल प्रधान का भी टिकट काट दिया गया है और सुनीता वर्मा प्रत्याशी घोषित कर दी गई है और वह सिंबल लेकर रवाना भी हो गई है राजधानी लखनऊ से और आज नामांकन का आखिरी दिन है, उन्हें पहुंचना भी है। तो ऐसे में अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में जहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल हैं, वह पूरी मजबूती के साथ बिना किसी विवाद के अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा में टिकट को लेकर जो खड़मंडल मचा हुआ है उससे कहीं ना कहीं चुनाव भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से
अब मेरठ में पूरी तरह से घमासान मच गया है। एक तरफ भानु प्रताप के समर्थक नाराज हैं सपा प्रमुख से, तो वहीं अतुल प्रधान भी अब नाराज हो गए। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर उनका टिकट कटा तो वह इस्तीफा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से मेरठ की सियासी हलचल तेज हो गई है और सुनीता वर्मा जो पूर्व मेयर है, मोहम्मद आसिफ बने रहेगा आप हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जयंत चौधरी का इशारों इशारों में निशाना, कहा विपक्ष में किस्मत वालों को मिलता है कुछ घंटों के लिए टिकट, जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। तो जयंत चौधरी का इशारों इशारों में निशाना साफ है, कहा विपक्ष में किस्मत वालों को मिलता है कुछ घंटों के लिए टिकट, विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी में जिस तरह से लगातार बार बार प्रत्याशी बदलने को लेकर घमासान जारी है, उस पर जयंत चौधरी ने भी निशाना साधा है, इशारों इशारों में यहां पर बात कहते हुए नजर आए। साफ कहा है कि विपक्ष में कुछ घंटे के लिए नसीब वालों को टिकट मिलता है और उसके बाद टिकट काट दिया जाता है। हमारे साथ लगातार मोहम्मद आसिफ इसी खबर पर बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे मेरठ की सीट को लेकर, इससे पहले मुरादाबाद की सीट को लेकर घमासान मचा हुआ था, रामपुर, तमाम अन्य सीटों पर अलग अलग तौर के प्रत्याशी और अलग अलग तौर की रणनीतियां देखने को मिल रही थी, अब जयंत चौधरी भी निशाना साधते नजर आए हैं सपा की इस रणनीति पर। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है और बयान उनका सामने आया है समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों को बदलने को लेकर, यह पहला हमला है जयंत चौधरी का। पहली बार खुलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ अब जयंत चौधरी बोलना शुरू कर दिए हैं। पीडीएस से अलग होने के बाद अभी तक जयंत चौधरी ने चुप्पी साधी थी, लेकिन कल ही से उनका हमला और तेज हो चुका है। और बता दें कि जिस तरह से मेरठ, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद समेत कई ऐसी सिटी हैं जहां पर लगातार सपा में अंतर्कलह चल रही है, और जिसे देखते हुए अब जयंत चौधरी, कभी सपा सुप्रीमो के खास हुआ करते थे, पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अलग होने के बाद वह भी अब राजनीति के तहत, या यूं कहा जा सकता है कि बड़ा हमला करने में जुट गए हैं और सियासी फायदे के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी डैमेज हो रही है, उनके विपक्षी लगातार हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जिस तरह से वह टिकट को लेकर अपने ही पार्टी में कला झेल रहे हैं, अब जो सियासी पार्टियां हैं, उनकी विपक्षी पार्टियां हैं, वह भी हमला करने से नहीं चूक रहे। उनकी स्थिति महाभारत के अभिमन्यु जैसी हो गई है। जी मोहम्मद आसिफ, आपको एक बार फिर से यहां पर रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अतुल प्रधान का एक ट्वीट भी सामने आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है, जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। तो अतुल प्रधान का टिकट कटने के बाद जिस तरह से जानकारी मिली कि संबल उन्हें नहीं मिल पाया है, सुनीता वर्मा अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, ऐसे में अतुल प्रधान का ये ट्वीट निकलकर सामने आया है। जी मोहम्मद आसिफ, जानकारी आप दे रहे थे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अतुल प्रधान का ये ट्वीट तो सामने आ गया है, लेकिन इसके अलावा तमाम तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही थी उसको लेकर क्या लगता है आपको, आने वाले समय में क्या साफ हो पाएगा कि अतुल प्रधान किस तरह की आगे कदम उठाते हैं, किस तरह की गतिविधि आगे करेंगे? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि भानु प्रताप का मेरठ से टिकट हुआ तब भी अतुल प्रधान जो विधायक हैं वह लगातार पार्टी कार्यालय का चक्कर काटते रहे और लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से टिकट को लेकर नाराजगी भी जाहिर करते रहे। उनके दर्जनों समर्थक सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय पर मिलने भी पहुंचे थे, तब कहीं जाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फैसला लिया और भानु प्रताप का टिकट काट दिया और जिम्मेदारी अतुल प्रधान को सौंपी गई। लेकिन आज ही
पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है, सुनीता वर्मा ही समाजवादी पार्टी से मेरठ में चुनाव लड़ेगी, उनको सिंबल भी दे दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें अतुल प्रधान की, तो अतुल प्रधान भले ही बयान दे रहे हो कि जो पार्टी प्रमुख का फैसला है उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी जिस तरह से मुरादाबाद से टिकट कटने के बाद एसटी हसन ने पहले बयान दिया था कि जो निर्णय होगा सुप्रीमो का वह मान होगा, और उसके बाद एसटी हसन ने बगावत शुरू कर दी, तो यही तस्वीर अतुल प्रधान को लेकर भी देखी जा सकती है, क्योंकि अतुल प्रधान के बारे में सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली है। अब जब पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो गई है, सुनीता वर्मा को सिंबल भी दिया जा चुका है, तो अब अतुल वर्मा और उनके समर्थकों की नाराजगी साफ तौर पर आगे देखी जा सकती है, क्योंकि उनके समर्थकों ने पूरी मेहनत किया था अतुल वर्मा को टिकट दिलाने के लिए। जी मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।